असम असम ये चेहरे पे क्या हो गया था आपके? ये 3 साल से दाने हुए थे बहुत बुरे, खराब हो गया था। अच्छा, अब चेहरा कैसा है? अब तो बहुत अच्छा हो गया। मेरे पास इलाज कराते हुए कितना टाइम हो गया? 3 मंथ हो गए अभी, यानी 2 महीने पूरे हो गए ना, तीसरा महीना शुरू पूरा हो गया। तीसरा पूरा हो गया, अच्छा ठीक है। तो इन 3 महीनों में और इन 3 सालों में कैसा क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फर्क हो रहा है, बहुत अच्छा फर्क महसूस हो रहा है। अच्छा, तो इससे पहले आपने कभी कोई इलाज किया था? 3 साल पहले मैं आपके पास ही आया था, 1 साल पहले। हाँ, तो कुछ अरसे में कराया था, 3 महीने कराया था, फिर चले गए। तो अब इंशाल्लाह के पूरा करा के ही पूरा करा के जाओगे, यानी 3 महीने सही हो गए तो सही हो गए थे, इतना ही हो गए थे, फिर मेरे साथ सही हो गया तो मैंने छोड़ ही दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, जब मैं खुद मना कर दूंगा भाई जी, अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ठीक है। दिखाना ज़रा चेहरा इधर से, वेरी गुड। ऊपर माथा, माथे भी निकले हुए थे जी, माथे भी निकले हुए। अब तो ये भी साफ हो गए, इस साइड से ऊपर करो चेहरे को, इस तरफ करो, गुड, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी है, मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज आपके लिए एक और नया केस लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही कॉमन जल्दी बीमारी है, जिसे एक्नी वल्गैरिस कहते हैं या एक्नी या कील मुहासे कहते हैं। आज जो केस हम प्रेजेंट कर रहे हैं, एक लड़का है, 19-20 साल इसकी उम्र है, तकरीबन 3 साल से इसके चेहरे पर दाने निकले थे। पहले इसके चेहरे पर छोटे दाने हुए, हल्के फुलके, इसने कोई तवज्जो नहीं दी, फिर थोड़े से बड़े हुए, तो इसने मुख्तलिफ नुस्खे टोटके वगैरह अपने चेहरे पर आजमाए, लोगों के बताए हुए क्रीमें लगाएं, चेहरा और ख़राब हो गया और फिर इसमें मोटे मोटे दाने जिसके चेहरे पर आ गए, जिसकी वजह से बड़ा परेशान हुआ। आज से 1 साल पहले ही हमारे पास आया, हमने इसको काउंसलिंग की, समझाया कि ये जो है आपको 3rd ग्रेड की एक्नी, जिसको सीवियर एक्नी कहते हैं, नोडियोलोसिस्टिक एक्नी, ये चेहरे पर हो गया है और अब इसका इलाज आप लग के करना, कम से कम 6 महीने इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। 3 महीने में मैंने इसका इलाज किया, ये बहुत बेहतर हो गया और उसके बाद इसने इलाज छोड़ दिया। इलाज छोड़ने के बाद कुछ अरसे के बाद दोबारा से रिलैप्स हुआ, इसने इधर उधर इलाज करने की कोशिश की, नहीं हुआ सही, तो फिर दोबारा मेरे पास आया। अब दोबारा हमने इसको फिर समझाया और 3 महीने इसका इलाज किया और अब आप इसका चेहरा देख सकते हैं कितना बेहतर हो गया। अब ये राजी है कि डॉक्टर साहब जिस तरह आप कहेंगे मैं उतना अरसा इलाज कराऊँगा। इलाज भी कोई इतना वो नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक फ़ेस वाश दिया जाता है, लगाने की क्रीम दी जाती है, खाने के टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं। ये डिसाइड कौन करता है? आपका डर्माटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट, जो भी आपका है डॉक्टर उसके पास जाएं। कभी भी दाने निकले, छोटे मोटे अगर दाने निकलते हैं, उस पर जो होता है फ़ेस वाश या साबुन जो भी आपको सूट करता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़ेस वाश या साबुन जो है उसमें 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक बेंजाइल परोक्साइड जो कि एज एंटीबायोटिक काम करता है, और दूसरा जो होता है वो सैलिसिलिक एसिड जो कि खुश करता है और स्किन पील करता है। तो ये 2 चीज़ें जो होती हैं, अगर आपके साबुन या फेस वाश में बेंजाइल परोक्साइड और सैलिसिलिक एसिड मौजूद है तो समझेंगे छोटे मोटे दाने जो हर एक को निकलते ही रहते हैं सने बलूगत में, तकरीबन 13 साल से लेकर 18-20 साल 25 साल तक की उम्र में, तो वैसे ही सही हो जाते हैं। लेकिन अगर दाने जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो रही है और फिर आगे बढ़ के पीप वगैरह निकल रही है, तो उसको जो है हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें और किसी के बताए हुए किसी नुस्खे टोटके फार्मूले पे अमल ना करें। कोई कॉस्मेटिक की शॉप से बनी हुई कोई क्रीम जो कि दाने और रंग गोरा करने के लिए आमतौर पे बना बना के देते हैं वो ना करें। किसी ब्यूटी पार्लर से कोई नुस्खा हासिल ना करें और इन दानों को नोचें नहीं, फोड़ें नहीं, छेड़खानी ना करें। खुसूसन जब ये नोडियोलोसिस्टिक एक्नी बन जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, तो ये इनमें पीप भर जाती है, तो लोग उसको दबा दबा के निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से घड़े भी पड़ जाते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी बीमारी छोटी हो उसको बड़ा होने से रोका जा सकता है, बर वक्त जो है वो इलाज के ज़रिए, बर वक्त कंसल्टेशन के ज़रिए। दाने तकरीबन जो है 85% लोगों को सने बलूगत में, यानी 13-14 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल तक निकल सकते हैं, और इसको जो है उसी वक्त जो है सही किया जा सकता है कि अगर आपकी स्किन की हाइजीन सही हो, मतलब आप अपने चेहरे का ख्याल रखें, आप अपने मुंह को ठंडे पानी से बार बार धोएं अगर अवेलेबल है, और दूसरा ये कि अगर चेहरा खुश्क होता है या कोई कॉस्मेटिक वगैरह आपने यूज़ करना है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ऑयल फ्री जो है वो कॉस्मेटिक यूज़ करें। इसी तरह कोई सन ब्लॉक अगर यूज़ करना है तो वो भी ऑयल फ्री होना चाहिए, ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से मज़ीद दाने निकलते हैं। और दानों को कभी भी नोचें नहीं, फोड़ें नहीं, छेड़खानी नहीं करें और इनको जो है
वो हाथ भी ना टच करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह खुराक में जो होता है हाइपर ग्लाइसिमिक डाइट्स, फास्ट फूड, मीठी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनका इस्तेमाल कम से कम जो है वो किया जाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कोशिशें बेहतर लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर किसी नए केस के साथ। अल्लाह हाफिज़।